एनसीएल सीएचपी परियोजना निगाही में मधुकान कंपनी के अधीन संविदा कर्मचारी की मौत के बाद जिला चिकित्सालय में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर सेफ्टी में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। सिंगरौली में एनसीएल परियोजना निगाही के सीएचपी का काम मधुकान कंपनी को मिला है, जहां शीला इंजीनियरिंग वर्क काम करा रही है। इसी कंपनी में खुटार निवासी मनीष शाह संविदा पर काम करता था। बीते रोज काम के दौरान करीब 25 फीट नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। आरोप है कि बिना गेट पास के मधुकान कंपनी के अधीन संविदा शीला इंजीनियरिंग वर्क का काम करा रहा था और श्रमिकों को सुरक्षा सामग्री भी नहीं मुहैया कराता। इधर युवक की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कंपनी प्रबंधक 5 लाख रुपए की सहायता दे रहा था, जिसे लेने से परिजनों ने मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि मुआवजे के 20 लाख रुपए दिए जाएं। इन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक शव नहीं लिया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश चौबे ने भी कंपनी प्रबंधन को मांगों को पूरा करने की बात कही है। अपने ड्यूटी के लिए निकला था, घर से खाना पीना बना के टिफिन लेके गया था और 5:30 बजे हमारे पास फोन आता है कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। वो श्रीला इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो मधुकान कंपनी के अंदर वेंडर कंपनी के अंदर आती है। वो एनसीएल निगाही प्रोजेक्ट में उसका कन्वेयर बेल्ट का काम चल रहा था, जहाँ वो हाइट पे काम कर रहा था, रिगर पोस्ट पे था। वो वहाँ पे हाइट पे काम कर रहा था, पाइप जब ढकेल रहा था अपना, पाइप ढकेलते टाइम उसके पाइप जैसे ही ढकेल रहा था ऊपर में, लगभग जिनके द्वारा कंपनी वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि 7 से 8 मीटर उसकी हाइट थी जिस हाइट पे वो काम कर रहा था, उस हाइट पे वो पाइप को ढकेल रहा था। सामने प्लेट मिला और प्लेट पाइप से टकरा गया और वो अनबैलेंस होकर डायरेक्ट 7 मीटर से नीचे गिर गया। अगर उसके पास सेफ्टी बेल्ट होता, कंपनी वाले अगर उसको सेफ्टी बेल्ट देते तो उसकी जान नहीं जाती, वो वहीं पर झूल जाता। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ बात करके, मैं सुबह से ही यहाँ पे खड़ा हूँ कंपनी प्रबंधन से बात करके, तत्काल के रूप में उसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके हित में जो हो सके, क्योंकि मनीष अब तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उनके जो माता पिता जो बेचारे अत्यंत पीड़ित हैं और वो चलने के लायक भी नहीं है, मैं कंपनी प्रबंधन से कहा है कि उन दोनों को, माता और पिता को भत्ता के रूप में और उनके घर के एक सदस्य को नौकरी और तत्काल में उचित के राशि में मुआवजा के रूप में अगर जितना ज्यादा हो सके। अभी तक कंपनी प्रबंधक ने 5 लाख रुपए बोला आर्थिक सहायता देने के लिए जब बात हुई तो, लेकिन अभी 5 लाख रुपए में परिजन तैयार नहीं है। मैंने उनको टाइम दिया है, आप 10 मिनट में बात कर लो, बात करके आप बताओ कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप उसके लिए कर सकते हो, और मैं उस पीड़ित परिवार के साथ जब तक यह निर्णय नहीं होगा तब तक मैं उसके साथ खड़ा होकर उसको न्याय दिलाऊंगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।